वहीं सुशील कुमार मोदी के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। बीजेपी के उत्थान में एक अमूल्य योगदान रहा है सुशील कुमार मोदी का। इसका जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने शोक जताया। आपातकाल का पुरजोर विरोध किया था, छात्र राजनीति से अलग पहचान बनाई थी, प्रशासक के तौर पर सराहनीय कार्य किए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी के लिए ये बातें लिखी। पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार में बीजेपी के उत्थान और उनके सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। आपातकाल का पुरजोर विरोध करते हुए उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। वे बेहद ही मेहनती और मिलनसार विधायक के रूप में जाने जाते थे। राजनीति से जुड़े विषयों को लेकर उनकी समझ बहुत गहरी थी। उन्होंने एक प्रशासक के तौर पर भी काफी सराहनीय कार्य किए। जीएसटी पारित होने में उनकी सक्रिय भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ हैं। ओम शांति। तो सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी को लेकर लिखे, और उन्होंने शोक जताते हुए सुशील कुमार मोदी के उस योगदान को याद किया जो बिहार में बीजेपी को एस्टैब्लिश कराने में महत्वपूर्ण रहा है। पीएम मोदी ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया। तो इसके साथ ही आपको बता दें, बिहार में शोक की लहर है। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व पूर्व राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार मोदी जी के निधन पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। ये बिहार बीजेपी के लिए अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। एक एक करके सभी नेताओं ने सुशील कुमार मोदी के निधन पर दुख जताया है। और आपको बता दें, सुशील कुमार मोदी 3 बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। बिहार के वित्त मंत्री भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद थे सुशील मोदी। 5 जनवरी 1952 को पटना में ही उनका जन्म हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत एक तरीके से जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 1990 से ही राजनीति में काफी सक्रिय थे सुशील कुमार मोदी, और उनका एक लंबा सफर रहा है। 1990 में बीजेपी बिहार विधानसभा दल के मुख्य सचेतक बनाए गए थे। 1996 से 2004 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। 2004 में भागलपुर से वो सांसद बने। 2005 में बीजेपी विधान मंडल पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी बनाए गए। सुशील कुमार मोदी आरएसएस के पूर्णकालिक सदस्य भी रहे हैं। बिहार की राजनीति में सुशील कुमार मोदी एक बड़ा और कद्दावर चेहरा है। भाजपा के दिग्गज नेताओं में सुशील कुमार मोदी का नाम शामिल है। 1973 से 1977 के बीच पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान सुशील कुमार मोदी 19 महीने जेल में भी रहे थे। एक संघर्ष उन्होंने उस वक्त किया था। 1983 से 1986 तक एबीवीपी में महासचिव, प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री सहित कई पदों पर भी सुशील कुमार मोदी रह चुके हैं। उनका एक लंबा सफर रहा है। राजनीति की शुरुआत छात्र संघ से ही उन्होंने की थी। पटना साइंस कॉलेज में से 1973 में वनस्पति विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। वनस्पति विज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी उन्होंने की, और जेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो सुशील कुमार मोदी के जाने से बिहार की राजनीति में साथ साथ देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर उनके बारे में वो बातें लिखी जो योगदान उनका बीजेपी पार्टी को एस्टैब्लिश करने में रहा है।